नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हगेंद्र। तीसरे टेस्ट से ठीक पहले शिखर धवन और मुरली विजय कल देर रात देश वापस आ गए। दोनों खिलाड़ी 31 अगस्त से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बात कहकर देश वापस आ गए हैं। इनका कहना है कि उन्हें मेल पर लगातार रिमाइंडर मिल रहे थे कि 31 तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, जिससे वो काफी तनाव में थे और ठीक से बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे यूं अचानक आने से इंग्लैंड के फैंस काफी नाराज होंगे। मेरे और शिखर से जो बन पड़ा वो हमने किया भी। 31 तारीख की डेडलाइन मिस करके मैं ये संदेश नहीं देना चाहता था कि मेरी कहीं पर भी टाइमिंग ठीक नहीं चल रही। वहीं दूसरे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आर अश्विन को खेल भावना ना दिखाने के लिए टीम से बाहर निकाल दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता बेगैरत का। बेगैरत, अश्विन ने तो दूसरे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, फिर उन्हें ही टीम से क्यों निकाल दिया गया? अगेंद्र, उन्हें इसीलिए टीम से निकाला गया क्योंकि उन्होंने दूसरे मैच में सबसे ज्यादा रन बना दिए थे। मैनेजमेंट का मानना है कि जिस पिच पर बल्लेबाज भी रन नहीं बना पा रहे थे, उस पिच पर दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाकर अश्विन ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नीचा दिखाया है। अगर उनमें जरा भी खेल भावना होती तो वो 2-4 रन बनाकर खुद ब खुद आउट हो जाते। अगर अश्विन भी रन ना बनाते तो कम से कम मुख्य बल्लेबाज ये तो कह सकते थे कि पिच ही खराब है, मगर अश्विन ने उनसे ये बहाना भी छीन लिया। वही इंग्लिश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीरीज में भारतीय दर्शकों का रोमांच बरकरार रखने के लिए लंका की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड बुला लिया है। जी हां, इंग्लैंड के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि भारत की टीम वैसे भी सारे मैच 3 से 4 दिन में हार रही है। ऐसे में टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय टीम का लंका के साथ एक वनडे मैच रखवा दिया जाएगा। देखिए, हम लोग लंका को तो आजकल हरा ही लेते हैं, इससे हमारी टीम का हौसला तो बढ़ेगा ही, भारत के उन फैंस को भी तसल्ली होगी जो हर मैच में अपनी टीम का हार देखकर टूट चुके हैं। लेकिन लंका ने अगर हमें हरा दिया तो ऐसे कैसे हरा देंगे, उन्हें अपने बच्चे तो आईपीएल खेलकर ही पालने हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आईसीसी ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। मसलन पूरी भारतीय टीम अगर मिलकर भी 100 रन बनाती है तो इसे हर खिलाड़ी का शतक माना जाएगा। स्लिप में कैच आने पर अगर भारतीय खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू भी ले तो सामने वाले खिलाड़ी को आउट माना जाएगा। भारतीय खिलाड़ी आखिर के 5 बल्लेबाज आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो शुरू के 5 बल्लेबाजों को ही दोबारा आउट करेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से हर मैच में विराट कोहली भारतीय टीम से 5 बल्लेबाजों को खिलाने के बजाय पर्ची डालकर मैदान से 5 भारतीय दर्शकों को टीम में शामिल करेंगे। कोहली का कहना है कि रन तो बल्लेबाजों ने वैसे ही नहीं बनाने, कम से कम दर्शकों को ही टीम में जगह देकर वो आम आदमी का दिल तो जीत ही सकते हैं। वैसे भी भारत से इतनी दूर वो आम आदमी का दिल जीतने ही तो आए हैं। भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा।